नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड मेरा चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीलंका की पैसा कैसा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के पैसा को रुपी ही कहते हैं, लेकिन श्रीलंका रुपी कहते हैं। और ये ना मेरे पास तीन श्रीलंका के पैसा है, 2 20 रुपए की नोट है और 1 100 रुपए की नोट है। तो जो 20 रुपए की नोट है, जो कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा श्रीलंका के 20 रुपए है और फ्रंट में कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। और बैक साइड जो है, बैक साइड है कुछ इस तरह, बैक साइड वर्टिकल नोट टाइप का है और ऐसे दिखा रहा है एक डांसर को। तो ये रहा श्रीलंका के 20 रुपए। उसके बाद ये श्रीलंका के 100 रुपए। तो ये ऑरेंज कलर की एक वाटरफॉल को दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक चिड़िया को दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक बटरफ्लाई को दिखा रहे हैं। तो 100 रुपया कुछ इस तरह दिखता है और काफी सुंदर नोट ही दिख रहा है ये। और बैक साइड जो है, बैक साइड में भी एक डांस फॉर्म डिपिक कर रहे हैं, इस साइड में भी ये वर्टिकल बैंक नोट है। तो फिलहाल मेरे पास 3 बैंक नोट ही है। पहले मेरे पास बहुत सारे बैंक नोट थे श्रीलंका के, फिलहाल नहीं है, तो मेरे पास 3 था, इसलिए सोचा कि आप लोगों को दिखा दो। और अभी चलिए बात करते हैं कि इसका कितना वैल्यू होता है इंडियन रुपए में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा है ये नोट, श्रीलंका की पैसा ज़्यादा बड़ा है या इंडिया की पैसा ज़्यादा बड़ा है, वो आपको एक बार दिखा लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये रहा श्रीलंका के 20 रुपये और ये रहा इंडिया के 20 रुपये। तो दोनों नोट में ऐसे एक साथ रख दिया हूँ, तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों नोट लंबाई में ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन ये श्रीलंका की जो नोट है थोड़ा इंडिया की नोट से ब्रेड थोड़ा ज़्यादा है। और अभी श्रीलंका की 100 रुपये और इंडिया की 100 रुपये को देखते चलिए। तो मैं ऐसे यहाँ पे रख दिया हूँ, इसको पीछे कर देते हैं इंडिया रुपये को, ठीक है। तो यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इंडिया की जो 100 रुपये है थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, लेकिन ये जो श्रीलंका की 100 रुपये है इसकी हाइट जो है, मतलब ब्रेड थोड़ा ज़्यादा है। लगभग दूर से देखिए तो दोनों नोट ऑलमोस्ट सेम साइज़ के ही दिखते हैं। तो ऐसे में अगर दूर से दिखा देता हूँ तो ये इंडिया के 20 रुपये और ये श्रीलंका के 20 रुपये ऑलमोस्ट सेम साइज़ दिखता है, और ये भी इंडिया के 100 रुपये और श्रीलंका के 100 रुपये दोनों इक्वल साइज ही दिखते हैं। और चलिए अभी बात करते हैं कि ये 20 रुपया देने से आपको इंडिया में कितना रुपये मिलेंगे और ये 100 श्रीलंका रुपये देने से आपको इंडिया में कितना रुपये मिलेंगे। दोस्तों, श्रीलंका की पैसा जो है ना, उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं है। 1 श्रीलंकन रुपये का वैल्यू इंडिया में सिर्फ 22 पैसा ही है। तो मतलब अगर आप कहीं से 1 श्रीलंका के रुपए लाते हो, आपको इंडिया में सिर्फ इंडिया के 22 पैसे ही दिए जाएंगे। तो ये जो 20 श्रीलंका के रुपए आप देख रहे हो, इसका वैल्यू इंडिया के 5 रुपए से भी कम है, लगभग कहे तो 4 रुपए 90 पैसे जैसा ही है। तो बहुत काफी कम वैल्यू की नोट है। और ये जो आप देख रहे हो श्रीलंका के 100 रुपए की नोट, इसकी वैल्यू इंडिया में होगा सिर्फ 22 रुपए 23 रुपए के बीच में। तो अभी यह देख सकते हो मेरे पास 2 नोट 20 रुपए और ये 100 रुपए। तो दोस्तों, मेरा आपको इस वीडियो अच्छा लगा और आपको पता चला कि श्रीलंका के पैसा कैसा दिखता है, और कुछ भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। फिलहाल वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू सून।